हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथमेटिक्स की एक अच्छी सी क्लास लेकर। दोस्तों, आज ये मैथ की 27वीं क्लास है जिसमें मैं आपको सरलीकरण मतलब कि सिंप्लीफिकेशन सिखाने वाला हूँ। सिंप्लीफिकेशन को एक अलग ही लेवल का लेके जाने वाला हूँ। पिछले 2-3 क्लासों में आपको सिंप्लीफिकेशन के सवाले मिली थी। अगर आप सभी इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। यहां पर आप डिस्कशन बॉक्स में, वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं हम सबके, जिससे आपको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो और जितना कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सब कुछ मिल जाया करे। फिलहाल दोस्तों, आप सब अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे पहुंचे हैं, और यहाँ पे टेक्निकल विद एसएएस पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी, आपके साथ रहेगी और आपके हर एक सवाल का जवाब देगी। आप सभी मुझसे व्हाट्सएप चैट पे भी बात कर सकते हैं। बात का मतलब केवल एक ही बात के लिए परमिशन होगा कि आप सभी किसी भी सवाल का जवाब लेना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली मैसेज करेंगे तो हम लोग आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो फिलहाल आप सबके लिए 2-3 अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप हैंड टू हैंड सपोर्ट पा सकते हैं हम सबसे। तो फिलहाल अभी हम लोग आप बात करने वाले हैं सरलीकरण का। आज का टॉपिक होगा फिर से वही पिछली क्लास का ही टॉपिक है, सरलीकरण है, लेकिन सवालें अलग होगी, सवालें का तरीका भी अलग होगा। आज बढ़िया सवाल लेके आ रहा हूं मैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे लेवल के सवाल लाया हूँ, जो सारे के सारे एसएससी के 2019-20 में आए हुए सवाले हैं लगभग, और वो सवाल करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर सरलीकरण में कितना दमखम होता है और हम सब में कितना दमखम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल्दी से अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाया करिए, जिससे सवाल मेरे साथ आप लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा अगर आप सवाल लगा पाते हो। ना लगा पाते हो, सीख रहे तो बैठे ही हो। चलिए शुरुआत करेंगे आज की पहले सवाल का। जो पहला क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने लिख रहा हूँ और आप देखिएगा, इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है 1/2 है, ऑफ माने का लगा देंगे, ठीक है, और होगा फिर 8/5 है, भाग का चिन्ह लगा रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, और फिर आगे है ब्रेकेट लगा के लगाएंगे, ब्रेकेट में ब्रेकेट जो होगा वो मझला ब्रेकेट होगा, ठीक। और इसके बाद हो रहा है 11/5 होगा माइनस में, फिर छोटा ब्रेकेट रहेगा, होगा 5/16 हो जाएगा, फिर प्लस है 3/5 होगा, फिर गुणा में 15/8 है, और फिर यहाँ भाग का चिन्ह होना चाहिए, सही बात है, 2/3 हो जाएगा, ठीक। और फिर इतना है, ब्रेकेट बंद है, और इसके बाद थोड़ा सा और काम किया गया है, काम कुछ नहीं, बस इतनी सी बात थी। इसी पर मसला ब्रेकेट भी बंद करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में 1/2 है का 5/8 लिखा गया है, डिवाइड का सिंबल है, मसला ब्रेकेट के अंदर 11/5 है, माइनस में 5/16 है, और प्लस 3/5 के साथ गुणा में 15/8 लगा हुआ है, भागे 2/3 है। इसका मान निकालना है, इसका मान क्या होगा वो हम सब लोग अभी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिलहाल बताऊं तो प्रश्न के बारे में थोड़ा सा डिटेल देने वाला हूँ। ये प्रश्न है एसएससी के सीएचएसएल का प्रश्न है, एसएससी के सीएचएसएल का प्रश्न है, और टीयर फर्स्ट में 2019 के सेट में आया हुआ था, ठीक है। तो यही है सवाल के डिटेल, और इसके बाद सवाल के बारे में विकल्प आपको मैं लिखने वाला हूँ, इन सारे विकल्पों के लिए काम करेंगे। पहला विकल्प होगा आपका 4 हो जाएगा, दूसरा 2/5 होगा, तीसरा विकल्प आप लिख सकते हैं यहां पर 1/5, और चौथा विकल्प जो होगा वो होगा केवल 1। तो इस तरह से 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प पे हम लोग काम करेंगे। तो चलिएगा, मैं सवाल लगा के दिखा रहा हूं, आपको सिखाने वाला हूं कि इस सरलीकरण के इस सवाल को कैसे करेंगे और किस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। शुरुआत कीजिएगा सबसे पहले यहाँ बोर्ड मास के फॉर्मूले से। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रेकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रेकेट में छोटा ब्रेकेट, फिर मझला ब्रेकेट, फिर बड़ा ब्रेकेट। फिलहाल यहाँ बड़ा ब्रेकेट का नाम नहीं है, कहीं काम नहीं है, इसके लिए बड़े ब्रेकेट का कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन छोटा ब्रेकेट पहले हल करेंगे। फिर उसमें छोटा ब्रेकेट में हल कौन होता है, बी ओ, ओ के बाद ऑफ होता है, बी के बाद ऑफ आता है, ऑफ माने का
छोटा ब्रैकेट के अंदर पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई होता है। तो क्रम ध्यान रहे, बोर्ड मार्क्स के क्रम से लगाएंगे सवाल को। देखिएगा यहाँ पर एक बटा दो, देखिए इसके अलावा किसी को छेड़ा छेड़ा नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, सबको स्वतंत्र रूप में लिखते जाएंगे। 1/2 का लिखेंगे और फिर 8/5 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक। और फिर भाग का चिन्ह है, मझला ब्रैकेट लगा हुआ है, 11/5 है। माइनस में छोटे ब्रैकेट के अंदर सब कुछ हल करने वाले हैं, 15/5/16 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे होगा 3/5 है, गुणा में 15/8 है। भाग का मतलब गुणा लगाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, 3/2 हो जाएगा। इस तरह से काम करेंगे हम सभी। और फिर छोटा ब्रैकेट बंद और मझला ब्रैकेट भी ऐसे बंद करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा का। देखिए यहाँ पे जो का है और ये भाग है, भाग और का में सबसे पहले का ही किया जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ गुणा कर सकते हैं, नहीं तो आपका मन ना माने तो आप बिना किसी चिंता के ऐसे लिख दीजिएगा, इतना हुआ। और भाग लगा देंगे और फिर यहाँ पर आएगा 11/5 है। और मझले ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ हल कर लीजिएगा। इस 5 से कटेगा, 5 या 15, हर में 8 2 16 बनेगा। इधर 5/16 था, 3 3 9 3 कितना बन जाएगा, 27। 3 3 9 3 27 होगा 27/8 2 16 बन जाएगा। हर का मान समान है यहाँ पर, हर का मान समान है, अंश को जोड़ लेंगे और फिर बाद में क्या होगा, हर को वैसे लिख दिया करते हैं, ठीक है। तो 1/2 होगा का लिखा जाएगा, 8/5 है। भाग का चिन्ह लगा देंगे जो कि है पहले से ही, और यहाँ मझला ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, ये ही कह लीजिए 11/5 है। यहाँ जो होगा ब्रैकेट और पद के बीच में माइनस था, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी लगना था, ठीक है। माइनस था बुक में भी, मेरे पास माइनस ही लिखा गया है, मैं सही कह रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, इसके साथ क्या होगा, हर का मान समान है, उसको जोड़ लेंगे तो 15/7 कितना होगा, यहाँ पे 27/5 है, 27/5 32 हो जाएगा, 32/16 इतना पा जाएंगे। और फिर ये मझला ब्रैकेट बंद कीजिए और बस यही एक ब्रैकेट बचा भी था। फिर इसके बाद क्या होगा, 1/2 होगा का लगा दीजिएगा, 8/5 होगा। यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, हर का मान हर में, यहाँ इसको पैसा सिंप्लीफाई करेंगे, 100 2 32 दो बार जाएगा, इसको हल कीजिए, 5 2 10 होगा, 11 में 10 घटाएंगे कितना आएगा, 1/5 होगा। इतनी सी बात है, फिर से बता रहा हूँ, 5 2 10 होगा, 11 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा, इतना सा करेंगे। और फिर देखिए कभी भी अब यहाँ पे ये पद बचा है, इतने पद में भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह, का कमान है, का लिखा है, भाग लगा है। सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास का जो रूल होता है BOD, वो मतलब ऑफ पहले करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो पहले यहाँ का को हल कर लेंगे, का मतलब गुणा होगा, गुणा वाले का को हल करें पहले से, बाकी सब देख लेंगे। 8/5 होगा, यहाँ पहले इसका गुणा कर लेंगे, फिर भाग में 1/5 लगा दीजिएगा। यहाँ लगा के आपका उत्तर लगाऊंगा मैं, यहाँ पे 2 4 4 बार जाएगा, 4/5 है, यहाँ 4/5 होगा। भाग का चिन्ह है, भाग का मतलब 4/5 के लिए, तो भाग का मतलब गुणा लगाएंगे तो 5/1 आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा, बराबर कितना आएगा, 4। तो आपका जो आंसर होगा वो 4 आएगा। आपके सवाल का हल पूरा मैं लगा चुका हूँ, हल कर चुका हूँ, ये सवाल का हल है, प्रश्न को इस तरह से हल करते हैं। हाँ एक बात यही कहूंगा, आप जब एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं, यहाँ सिखाने की बात है, इसलिए स्पीड बढ़ाकर बहुत ज्यादा दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पे चीजों को सीखते हुए आगे बढ़िए। बस अगर एक बात अगर आप सीख जाओगे तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, आप टाइम इतना नहीं लेंगे जब आप सवाल खुद से करेंगे। तो यहाँ सीख रहा है इसलिए आपको लग रहा है कितना देर में सवाल लग रही है, लेकिन आप इसको और तेज से कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप को शॉर्ट कर सकते हैं, ये काम यहाँ पे हुआ करेगा। फिलहाल ओवरऑल बात करें तो इसका उत्तर 4 आएगा, 4 का मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट जो आंसर होगा नाम उसका उस वही क्या होगा आपके सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर सेकंड पर, सेकंड जो क्वेश्चन होगा आपका वो ही आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, आज सवाल है ना एक नंबर की सारे सवाल है, सबका मतलब एक नंबर का मतलब यह है कि सबकी सब अपने आप में एक सवाल है, वास्तव में सवाल है वो, और उन सब में कुछ खास क्रिएटिविटी है, हर जगह कुछ न कुछ, कहीं विभिन्न का रोल है, कहीं विश्व भिन्न का रोल है, कहीं मतलब कि ये बोर्ड मास के साथ भिन्न का रोल है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बस आप यहाँ धैर्य बना के क्लास में ज्वाइन के रहिए और देखना कि आपको किस तरह से सवाल मिल रहे हैं। 2 सही 7/8 है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए सवाल हैं,
इसलिए सीखना और भी ज्यादा हो जाता है जरूरी। उसके बाद फिर तीन है सही 5/6। यहाँ मिस्र भिन्न का ही रोल आप देख सकते हैं किस तरह से होने वाला है। मिस्र भिन्न का की अहम भूमिका यहाँ पे सवाल में होगी, 2/7 हो जाएगा। और फिर गुणा लगा के यहाँ बड़ा ब्रेकेट लगा रखे हैं, फिर छोटे ब्रेकेट के अंदर सारे पद लिखे जाएंगे जो कि होगा 4/1/5 होगा का। उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर 2/6/7 हो जाएगा। और भाग का चिन्ह लगा के 2/3 कह सकते हैं और गुणा में 5/9 हो जाएगा। इसका मान पूछ रहे हैं, ठीक। ये है प्रश्न फिलहाल। और जो भी है प्रश्न बेहतर है, 3/5/6 है, 2/1/3 है का, 2/7 गुणा में फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर सारे पद लिखे गए हैं और आपको सही दिख भी रहा होगा। यही है सवाल। सवाल का जो डिटेल बताएं तो SSC के CGL में पूछा गया प्रश्न है ये। SSC के CGL में 2019 में आया हुआ प्रश्न था, ठीक है। और विकल्प प्रश्न का जो होगा इस सवाल का हल मैं आपको दिखा रहा हूँ, हल क्या आएगा, 1/23 हो सकता है आ जाए, या फिर सेकेंड ऑप्शन मैं आपको दूंगा तो वो दूंगा केवल 4 होगा। थर्ड ऑप्शन के भी बारे में बात करेंगे जरूर, क्योंकि थर्ड ऑप्शन है मेरे पास जो कि 5 होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास 1/4 आ जाएगा। इन चारों विकल्पों में से एक आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए हल करके मैं सिखा रहा हूँ। सवाल में है बहुत कुछ है यहाँ सीखना, तो सीखिएगा एक एक कदम को। अगर कोई भी डाउट हुआ कहे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपने डाउट्स को, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन अगले क्लास में जरूर मिलेगा। चलिए करा जाए हल इसका, क्या हो पाएगा। देखिए 8 × 16 16 हो गया, और कितना होगा 7 ऐड करेंगे, 16 × 7 कितना होगा 23 हो जाएगा, 23/8 होगा। सारे में से भिन्नों को हम लोग भिन्न बदल लेंगे साधारण भिन्न में। अच्छा, साधारण भिन्न बदलना आसान है, अभी कर लीजिए, यही काम बेहतर होगा यहाँ फिलहाल। यहाँ तो यही बेहतर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई जोड़ जोड़ हो, गुड़ा गुड़ा हो, घटाव घटाव हो, तो वहाँ अलग रूल चल सकता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिक लगाने का प्रयास ना करें तो बेहतर होगा। 6 × 3 = 18 18 × 5 कितना होगा 23 हो जाएगा, 23/6 होगा। भाग का चिन्ह लगाएंगे, 2 × 3 = 6 7/3 हो जाएगा। और का है, का लगा के 2/7 लिख देंगे, ठीक। ये चीज हुआ है इस सवाल में अभी तक। उसके बाद गुणा में बड़ा ब्रेकेट के अंदर छोटा ब्रेकेट फिर से लगा रखे हैं, 5 × 4 = 5 है, 21/5 यहाँ पे होगा, 5 का लगाएंगे, फिर क्या होगा 7 × 2 = 14 14 × 6 कितना होगा 20/5 हो जाएगा आपका, 7 होगा। भाग का चिन्ह है 2/3 है, और फिर ब्रेकेट बंद करके 5/9 लिखा जाएगा। ये पूरा सवाल है जो कि आपने साधारण में देखा है। इस साधारण के सवाल को हम लोग सबसे पहले छोटे ब्रेकेटों को हल करेंगे। छोटे ब्रेकेट के अंदर भी वहां पे बोर्ड मास लगेगा, ऑफ पहले हल करेंगे फिर डिवाइड हल करते हैं। तो चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे 23/8 है और भाग का चिन्ह है लगा देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 23/ जो लिखा है 6 लिख देंगे, अभी कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। भाग का चिन्ह है, का को पहले हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इससे 2/3 बनेगा, यही हमारा हल होगा। का मतलब गुणा होता है, तो का जहां लिखा उसको पहले करके फिर भाग हुआ करता है, भाग को बाद में कर लेंगे। फिर गुणा लगा है और बड़े ब्रैकेट के अंदर कुछ व्यवस्था बनाई गई, यहाँ पर भी हम लोग का को पहले हल करेंगे तो ये गुणा होगा का मतलब, तो 7 × 21 हो जाएगा और 5 × 20 होगा। हर का मान पूरा पूरा खत्म, अंश में क्या होगा 4 × 3 = 12 होगा। ये गुणा भाग है, गुणा लगा के 3/2 कह सकते हैं, इतना सा होगा। गुणा में 5/9 लिखा गया है, ये पूरी बात थी। आगे बढ़ते हुए क्या मिलेगा आप सबको, अब सवाल को समेटने का प्रयास करेंगे। भाग लगा है और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23/6 गुणा में 3/2 होगा, और फिर गुणा में यहाँ पे लगा देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12 6 × 3 = 18 होगा। 18 को 9 से काटेंगे, 9 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 2 × 5 कितना होगा 10। फिर समझना मैंने क्या किया, 2 × 6 = 12 6 बार गया, 6 × 3 = 18 आ जाता, 9 से कटेगा 2 बार जाएगा पूरा, और फिर 2 × 5 = 10 आएगा। ये हमने शॉर्टेज किया, बाकी ब्रैकेट को हटा देते हैं। आगे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर 3 × 3 = 6 बन जाएगा, हर में इतना सा आ गया। इसके बाद क्या बनाएंगे, देखिए 23 है / 8 है, गुणा का मतलब भाग का मतलब गुणा कर दीजिए, 2 × 4 ऊपर जाएगा और 23 क्या हुआ नीचे आ जाएगा, इतनी सी बात थी। गुणा में 10 कर देंगे
और फिर 4 एकम 4 गुना 8 होगा, 2 पंचे 10 5 आएगा। इस 23 से 23 कैंसिल करेंगे, पूरा कुल मिला केवल केवल 5 आएगा। 5 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरह से सवाल को अपने हिसाब से लगाइएगा। अगर आपका कहीं और दिमाग काम कर रहा हो, कुछ अलग तरीके से काम कर रहा हो, तो आप वो भी अपनाएंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना तरीका है जो कि मैं सिखा रहा हूँ। और मैथ में अगर आपको कुछ और भी करना हो तो आप इससे ज्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे मैं यही बता के बढ़ूंगा कि आपका उत्तर क्या होगा। आंसर नंबर 3 होगा, जो कि सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि 5 आया हुआ। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 से थी, इसको आप देख सकते हैं बेहतर ढंग से हम लोगों ने किया और फिर इसका सवाल का आंसर भी आया। बढ़ेंगे अगला प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 देखिएगा किस तरह से होगा। 3 भी क्वेश्चन आपके लिए कुछ बेहतर आएगा। हर सवाल में कुछ नया नया आने को देखने को मिल रहा है आपको। हर जगह बोर्ड मास्क का एक नया रूल मिल रहा है। नया रूल का मतलब नया तरीका मिल रहा है देखने को। जितना सवाल लगाएंगे उतनी आपके अंदर यहाँ पे कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो लिखेंगे 39 है डिवाइड बाई 26 हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक बेहतर काम किया है, प्लस लगा के 22 कर देंगे। फिर भाग का चिन्ह लगाकर कुछ और किया गया है सवाल में, नया मोड़ आ रहा है गुणा 2 लगा के, प्लस में 4 गुणा में 3 है। और फिर पूरा का बटा लगा दिए हैं, ओवर ऑफ किया गया है, 2 का 5 है, 2 का 5 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद माइनस में 3 इंटू में लिखा गया है आपके पास 7, प्लस में 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इंटू 3। इस तरह से पूरी व्यवस्था बनाई गई सवाल की, कह रहे इसका मान कितना होगा हल करके बताना है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो MTS के प्रश्न में पूछा गया था, SSC के MTS में पूछा गया था मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जो कि 2019 के सेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और इसके लिए मैं विकल्प जरूर लिखूंगा, विकल्प है जरूर, हर चीज का विकल्प होता है, जो कि 61/2 है। दूसरा जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा 49/2 होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। थर्ड यहाँ पे होगा 39/2 होगा, एंड नेक्स्ट विल बी 4th एंड इट्स 35/2। ओके, यहाँ पे इतनी सी बातें आ गई हैं। हम लोग काम करेंगे इसके बाद सवाल को हल करने के लिए, आगे बढ़ेंगे कुछ इसको देखिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसको हल करते हैं, क्या होगा 39 है, भाग है, भाग का मतलब क्या होगा बटा में, यहाँ 26 लिख दीजिए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, प्लस में यहाँ 22 है, भाग का मतलब बटा में 11 लिखेंगे, गुणा में 2 था, और प्लस में 4 थे, कितना होगा 12 होगा, वो स्वतंत्र रूप से था, कर दीजिए। यहाँ 2 का 5 10 हो जाएगा, 5 और 10 माइनस में 3 होगा। और फिर 7 है, प्लस में 10 है, यहाँ भाग है, कावा नहीं है, तो पहले भाग करेंगे, 2 पंचे 10 5 बार जाएगा, 80 5 लिखें, माइनस में 3 थे, कितना होगा 9 हो जाएगा। इतना सा आप काम कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, 13 39 13 26 हो जाएगा, 11 22 होगा, इतना सा बना है, 3/2 बनेगा, 3/2 है, और प्लस में 2 4 है, प्लस में 12 है, और पूरे का जो बटा आएगा वो 10 आएगा, माइनस में 3 आएगा, 7 5 12 12 में से 9 घटेगा, 9 3 12 हो जाएगा, है ना। इतनी सी बात थी, 3 3 9 होगा। आगे क्या कर पाएंगे हम लोग, यहाँ पे इसको हल करें तो क्या होगा, 12 4 16 हो जाएगा, और 16 गुना 32 3 होगा, प्लस में 12 4 16 और 16 गुना 32 होगा, बटा का 2 आएगा, और हर में पूरा क्या आया, 3 3 9 10 में से 9 घटेगा तो 1 आ जाएगा। देखिएगा 32 3 कितना होगा, 35 आएगा, 35/2 यहाँ पे पाएंगे, जो कि आपके सवाल का सही उत्तर आने वाला है, 35/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ये लगाते हैं। अगर देखिएगा यहाँ मैंने कुछ ऐसा काम किया, बहुत सॉल्व करने का प्रयास किया, इसीलिए 3 4 स्टेप में सवाल लग गई है। क्या हुआ है एक बार जरा सा तेजी से बताने वाला हूं फिर से। यहाँ पे भाग था, बटा लगा दिए हैं, भाग था बटा लगा दिए, 4 3 12 गुणा कर दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब का मतलब गुणा होगा, पहले का को करते हैं, 5 में 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया है मैंने, फिर से अंदर ब्रेकेट के अंदर पहले भाग होगा फिर गुणा होगा, तो 5 2 2 5 10 5 बार जाएगा, 3 3 9 कर देंगे, और फिर यहाँ पर 7 5 12 में से 9 घटेगा, तो यहाँ पे 9 3 12 3 आएगा, हर का मान हुआ है, 3 3 9 10 में से 9 घटेगा, 1 आया। अंश मैंने क्या किया,
4 आ जाएगा, यहाँ 4 लिखा हूँ, 3/2 लिखा गया है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद मैंने 12 4 16 कर दिया, 16 हुआ है। अब 2 का 16 16 करेंगे, 32 3 35/2 आएगा, वही आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4th होगा, जो कि आप सही कहने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 3rd को इस तरह से लगा दिए हैं, बस आप काम ठीक ठाक से करें, आप काम को बेहतर तरीके से आत्मविश्वास के साथ काम कीजिएगा, आपकी सवाल और आपका काम सफल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का इंतजार कीजिए, स्वागत कीजिए 4 का। 4 नंबर जो होगा वो भी आपके लिए कुछ नया लेके आने वाला है, कुछ नया देखोगे, कुछ बेहतर सीखोगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बस कुछ क्षण की देरी है, आपके सामने छप जाएगा। चौथा प्रश्न, 3/4 है, भाग का चिन्ह लगाकर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 9/32 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद प्लस में 4/3 लिखा जाएगा, गुणा लगाएंगे, कुछ और हो तो हो, लेकिन 2/3 होगा और गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27/16 होगा। गुणा से तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे का है, ये का है, क्या हो जाएगा 27/16 होगा, पूरे का बटा है, यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, लगा तो बहुत कुछ है, 1/2 है, गुणा में यहाँ से लिखा गया है 8/3 - 2 है, ब्रैकेट के अंदर लगा रखे हैं इसको, भाग का चिन्ह लगा के 4/9 लिखा गया है, फिलहाल प्लस में है 1/3 प्लस 1/6, यही ब्रैकेट के अंदर लगाया हुआ है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। इसका मान बताइए, SSC के MTS के 2019 में आया हुआ प्रश्न है, SSC के MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 2019 का आया हुआ प्रश्न था, जिसको मैं यहाँ लिख चुका हूँ, इसका हल आपके सामने करूंगा। उससे पहले आपके लिए विकल्प होगा, विकल्प नंबर 1 होगा जो 13/2 होगा, दूसरा विकल्प आपके लिए हो जाएगा 10/3 होगा, तीसरा विकल्प जो होगा वो होगा 25/2 होगा, और चौथा विकल्प जो होगा वो आएगा 21/2 आएगा। इस तरह से आपके सामने यहाँ 4 विकल्पों से सजी हुई एक सवाल है, इस सवाल का मैं हल करके सिखा रहा हूँ, हल कैसे होगा आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे तो आप हल कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा ये प्रश्न जो है वो आप करके दिखाता हूँ आपको, तो चलिए देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हम लोग करने वाले हैं हल। यहाँ पर सबसे पहले अंश को व्यवस्थित करिए, साथ में हर को भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पे बोर्ड मास का ख्याल रख के काम करना, बोर्ड मास का रूल जरा सा ही ब्रेक करोगे सवाल टूट जाएगा, सवाल का हल गलत आएगा। 3/4 लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है 3/4 है, और फिर बराबर लगा देंगे नीचे वाले में भी, भाग का मतलब यहाँ बुरा लगा के संख्या को पलट सकते हैं, 9/2 होगा, प्लस लगाइएगा 4/3 है, गुणा में यहाँ का था तो गुणा कर लो सामने सामने का, कितना बन जाएगा इसको हल करेंगे, 3 9 27 9 बढ़ जाएगा, 2 8 16। ध्यान रहे मैं जो कह रहा हूँ कि का वाला काम पहले करेंगे, बाद में जो होगा देख लेंगे, कि यहाँ पे 9/8 आएगा, का के साथ में 9/8 आपने पा लिया है। इसके बाद पूरे का जो बटा आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 है, गुणा में 8 3 6 8 में 6 घटेगा, 2/3 आ जाएगा, और यहाँ फिर क्या होगा, भाग का चिन्ह लगा है, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पूरा हल हो चुका है, इसके साथ अब भाग की व्यवस्था कर सकते हैं, 9/4/9 होगा, प्लस में 6 3 का 6 होगगा, 3 6 का देखिए 6 3 का 6 होगगा, 3 2 6 2 बार जाएगा, 2 1 2 यहाँ बनेगा, 1 यहाँ बनेगा, 2 1 3/ कितना होगा, 6 होगा, इसको हल करें, 3 1 3 2 6 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करिएगा, और कहीं कोई कट रहा हो तो काट लेंगे, ये इससे नहीं कटेगा क्योंकि अभी भाग करना है, अभी नहीं काट सकते, ये गलत होगा। यहाँ पे 4 8 32 8 बार जाएगा, 3 3 9 3 बार जाएगा, 8/3 यहाँ पर है तो 8/3 लिख देंगे, बराबर यहाँ लगाइए, 8/3 यहाँ लिखेंगे, प्लस में 4/3 यहाँ पर है, अभी और कटेगा लिखेंगे तो 4 3 3 9 3 बार जाएगा, 4 2 8 2 बार जाएगा, कितना लिख देंगे, 3/2, इतनी हो गई है बात। इसके बाद क्या होगा, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर 1/2 लिखा जाएगा, गुणा में 2/3 है, यहाँ गुणा लगा इसको पलटेंगे क्योंकि यहाँ भाग लगा है, कितना बनेगा, 9/4 होगा, प्लस में 1/2 यहाँ पे कह सकते हो आप। इसके बाद क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अब, लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगी बात,
और तीन तीन ना तीन बार जाएगा, यहाँ नीचे चार आएगा, चार है वैसे, तीन बटा चार रहेगा बराबर। यहाँ लिखेंगे तीन और दो का लासा छः हो जाएगा अंश में, और तीन दूना छः दो बार जाए, दो अठे सोलह प्लस में दो तीन छः तीन तीन नौ होगा। पूरे का बट्टा कितना आएगा, हर में तीन बटा चार है, आप इसको लिख दीजिएगा प्लस एक बटा दो लगा देंगे। ठीक, इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर अंश को हम लोग हल करें तो क्या बन के आएगा, सोलह नौ पच्चीस बटा में छः आएगा, और पूरे का बट्टा कितना होगा, चार, यह चार दो का ऐसा तो चार ही आएगा, और यहाँ तीन प्लस में यहाँ पे दो एक, दो दो चार, दो एक दो होगा, बराबर में कितना बन जाएगा, यहाँ पर आएगा पच्चीस बटा में छः पूरे बटा तीन दो पाँच बटा में चार हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला हुआ दूसरा, पहला और बुरा चौथा, दूसरा हुआ तीसरा करेंगे इसे, इस तरह से करिए। गत क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख रहा है उसका, हर का हर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पच्चीस गुड़ा में चार होगा बटा में पाँच गुड़ा में छः होगा, पाँच पच्चीस पच्चीस पाँच बार जाएगा, दो दो चार दो तीन छः, मतलब पाँच गुड़ा दस बट्टा में कितना आएगा, तीन आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरह से आप सवाल को हल किया करें, दस बटा तीन जो होगा आपके सवाल का उत्तर है, विकल्प नंबर क्या होगा, दूसरा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, एक बात यही फिर से बताऊंगा, मैथमेटिक्स है ये ना प्रैक्टिस मांगते हैं, हर सवाल पे प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ मिलकर लगाइए, अपने आप ही लगाइए, तो आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ सवाल की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ना आए तो बताना, बस आप सच्चे मन से प्रैक्टिस तो करना शुरू करो, एक मन लगा के काम तो करिए, सवाल का तो क्या ही करना है ना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, तो चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न भी आपके लिए कुछ मैं बेहतर लेके आने वाला हूँ, वो भी इससे भी हटकर है बस, लेकिन है बोर्ड मास का ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा ये है कि देखिएगा, वन माइनस थ्री अपॉन फोर है, ये पूरा पूरा ब्रैकेट के अंदर रखे हैं, प्लस में यहां पर एक बटा दो लगाएंगे, और फिर का है उसके बाद यहाँ पर छः बटा में दस लिखा गया है, और पूरे का जो बटा लगाएंगे वो उसके साथ में होगा, दो बटा में दो होगा, फिर भाग है चार बटा दस के साथ में है, और फिर गुणा एक माइनस में एक बटा पाँच हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो का लगाकर लिखा गया है आपके पास पच्चीस बटा में सोलह। तो ये है सवाल फिलहाल, इस सवाल में इसका मान निकालना है। अगर इस बारे में बताऊं तो सवाल में सवाल आया था एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम के टीयर फर्स्ट एग्जाम में, और ये आया था 2019 के सेट में। ठीक है, तो प्रश्न के बारे में डिटेल लिखा हूं, और विकल्प की बात करूं तो विकल्प भी आपके सामने मिलेगा जरूर। विकल्प जो होगा वो होगा, पहला ऑप्शन है 33 बटा में 175 हो जाएगा, ठीक, और दूसरा जो विकल्प होगा वो होगा 49 बटा में 115 होगा, 115 हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन जो होगा वो औसत के लिए होगा 29 बटा में 175 होगा, और चौथा विकल्प हो जाएगा जो कि है 47 बटा में 115। तो ये है सवाल, और सवाल के सारे हैं विकल्प, इन्हीं चारों विकल्पों में से कोई एक होगा आपके सवाल का सही उत्तर। तो चलिए लगाते हैं प्रश्न में कौन सा होगा सही, इसके बारे में आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ध्यान रहे कि बोर्ड मास के सवाल को ब्रेक ना करना, बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को ब्रेक ना कीजिएगा, आपका सवाल सही आएगा। सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चार एकम चार होगा, चार में तीन घटाएंगे तो एक बटा चार होगा। कुछ चीजों को शॉर्ट में डायरेक्टली एक ही बार में लिख लिया करें, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग का लगाएंगे। अब यहाँ पे का है, का के अलावा कुछ है भी तो नहीं, कि यहाँ पहले का को हल कर लेंगे, और इसमें क्या होगा, का मतलब गुड़ा होगा, गुड़ा में देखिए अगर यहाँ गुड़ा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दो तीन छह तीन बार जाएगा, तीन बट्टा में क्या कर सकते हैं, दस कर सकते हैं, बड़े आराम से हल को अंश को हल कर लेंगे। हर में क्या करना है, सबसे पहले छोटा ब्रेकेट हल कीजिएगा, और एक बात और देखेंगे, छोटा ब्रेकेट के साथ में कोई और पद साथ में चाहे तो हल कर सकते हैं, जैसे कि इधर का यहाँ पे दो बटा दो और चार बटा दस जो लिखा है भाग में है, इन इस ब्रेकेट को हल करने के दौरान में इस का को लगाते समय इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग हल कर सकते हैं फिलहाल, अगर आप चाहो तो बिना इसको किए भी कर सकते हैं फिलहाल। दो का दो से भाग करें एक आएगा, भाग लगाएंगे दो से कटेगा, दो बार जाएगा, दो पंचे दस होगा, तो दो बटा पांच कर लेंगे,
और फिर यहाँ पर आगे क्या होगा, 5 एकम 5 में से घटेगा, 4/5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, का है, का मतलब गुणा होगा, अभी का को का ही रहने दे, गुणा तो क्योंकि और भी लगे हैं, बट्टा में 16 होगा। अंश में थोड़ा सा काम करेंगे हम लोग, 4 और 10 का जो लासा होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 5 = 20 आएगा, लासा तो 20 बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास 20 लासा आएगा। और फिर अंश में यहाँ पे 4 × 5 = 20 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 करेंगे, फिर 10 × 20 और 2 × 3 = 6 बन जाएगा। इतना हुआ, पूरे का जो बटा करेंगे क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर चाहे तो आप भाग लगा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहीं कहीं पे होता है कि आप लगा सकते हो, कहीं कहीं पे नहीं। अगर ना लगाने की बात होगी मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे यहाँ भाग है, गुणा है, यहाँ का है। अगर का को पहले करेंगे तो का करने का मतलब इन दोनों को हल कर लेंगे, इन दोनों के हल करने का जो प्रभाव होगा इस पर तो नहीं होने वाला है पहले, क्योंकि इन दोनों को हल कर लेंगे उसके बाद फिर भाग ही होगा, तो इसका ये अलग स्वतंत्र रूप है, ये अलग स्वतंत्र रूप है, इस वजह से इसको पहले हम हल कर सकते हैं दोनों को साथ में। यहाँ भाग की जगह क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, 5/2 होगा। यहाँ गुणा जो था पहले यहाँ पे था, यहाँ भी लगा सकते हैं आप नीचे, और जो 4/5 है ये इसके साथ गुणा में रहेगा, और 25/16 के साथ होगा। इसका आपस में गुणा करके ही यहाँ हम लोग बाहर काम करेंगे, फिलहाल कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है। आगे बढ़िए, 6 × 5 = 11 कितना होगा, 20 हो जाएगा। पूरे का जो बटा आएगा वो आएगा यहाँ पे 5/2 पा जाएंगे हम सभी, और यहाँ गुणा में लगाएंगे, फिर क्या होगा, यहाँ कुछ कटेगा, 4 × 16 4 बार जाएगा, 5 का जाएगा 5 बार होगा, तो 5/4 लिख सकते हैं, बड़े से 10 से कीजिए काम। यहाँ इतना हुआ, इसके बाद क्या कर पाएंगे, 11/20 है अंश में, पूरे का जो बटा आएगा 5 × 5 = 25 होगा, 25/2 यहाँ 4 × 2 बन जाएगा 8, यहाँ कुछ कटेगा, लेकिन अभी पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंश का हर हर का सब सही कर लीजिएगा, और फिर 11 × 88 आ जाएगा, बटा में 20 × 25 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कटने वाला है, इतना सा काम करेंगे। हर में देखिए क्या कर सकते हैं, अभी ये कटेगा, 4 × 8 होगा, 4 × 8 22 × 28 4 × 5 = 20 होगा, आगे क्या हो गया, ऊपर होगा 22 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 25 × 25 = 125 होगा। इतना सा कुछ मिल रहा है, कहीं पे कुछ इरर हो सकता है शायद, जस्ट फिलहाल क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका जैसा भी था उसके हिसाब से हल आपका यही आएगा, जिसका मान क्या होगा, 22/125। यहाँ पर हो सकता है कोई क्वेश्चन में ऑप्शन में इरर हो, ये ऑप्शन जो दिए गए हैं ये ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे पांचों विकल्प आप बनाओगे जो क्या हो सकता है, नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पे बुक में हल्का सा इरर था, इरर की वजह से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, इससे क्या होता है, बस हमारा हमको क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना, सवाल को सही तरीके से सही रूप में हल करना सीखना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये इस सवाल जो है, सवाल का तरीका सही है, सवाल का हल सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, तो आप यहाँ पे नन ऑफ दीज करेंगे, उस आपके उस क्वेश्चन का आएगा आंसर 22/125। इस तरह से सवालों को लगाते हैं। सवाल में जो बोर्ड मार्क्स होता है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पे हर सवाल में कुछ नई दिशा मिल जाती है, हर सवाल में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, हर सवाल में कुछ नई क्रिएटिविटी मिला करती है, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस किया करें सवालों का। फिलहाल इस क्लास में कुछ इतना ही, मिलेंगे फिर से नए क्लास में नए सवालों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।